नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा। नौकर और नौकरानी रखने वालों को लेकर पुलिस मुख्यालय का निर्देश। विज्ञान दिवस पर राज्य के 13 बाल वैज्ञानिक होंगे सम्मानित। बिहार दिवस पर पहली बार भूटान में दिखेगी बिहारी विरासत। आईटी छापेमारी के बाद जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह ने दी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे कोच फैक्ट्री ने 550 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। रेलवे कोच फैक्ट्री ने अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 550 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 4 मार्च 2023 तक है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PAR DARSY.RAILNET.GOV.IN/apprentice पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू हुई बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा। आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो रही है। बता दें कि यह परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली तो समय अनुसार की जाएगी लेकिन दूसरे पाली में समय में बदलाव कर 1:45 से 5 बजे के बदले 2 बजे से 5:15 कर दिया गया है। मालूम हो कि इस परीक्षा में 16.37 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके लिए राज्य भर में 1500 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इस परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाया जा सके इसके लिए हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए परीक्षार्थियों को एक यूनिक ID दी गई है, जिससे उनकी पहचान केंद्र पर की जाएगी। केंद्र पर परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक चीजों को लाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा परीक्षा में स्टूडेंट्स को जूता मोजा पहनकर शामिल नहीं होना है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश कर जाना है। वहीं वैसे परीक्षार्थी जिनके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो वैसे परीक्षार्थियों को अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विनय पाठक के बारे में। विनय पाठक एक भारतीय रंगमंच और फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने खोसला का घोसला, भेजा फ्राई, आइलैंड सिटी और जॉनी गद्दार सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है और जिस्म रब ने बना दी जोड़ी और माई नेम इस खान जैसी फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई है। पाठक का जन्म भोजपुर जिले बिहार भारत में हुआ था। पाठक का बचपन धनबाद में बीतता है क्योंकि उनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। उन्होंने 1982 तक बोर्डिंग स्कूल विकास विद्यालय रांची में पढ़ाई की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। रणवीर सौरी के साथ उन्होंने OAE शो की एंकरिंग की। साथ में उन्होंने टॉक शो रणवीर विनय और कौन, हाउस अरेस्ट, दुनिया गोल है और क्रिकेट क्रेजी की मेजबानी की। उन्होंने अपने दोस्तों रणवीर, सुरेश मेनन और गौरव गेड़ा के साथ मिलकर गैंग आधारित शो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो का हिस्सा बने। आज है सीता अष्टमी, जाने महत्व और मुहूर्त। माँ सीता फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धरती पर प्रकट हुई थी। मंगलवार के दिन यानी 14 फरवरी को इस बार का यह शुभ दिन है। सीता अष्टमी या जानकी जयंती के नाम से यह दिन लोगों के बीच प्रचलित है लेकिन वैशाख मास के नवमी तिथि को भी कई जगहों पर लोग माँ सीता के जन्म तिथि के रूप में मनाते हैं। इस दिन को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार 13 फरवरी को 8:15 पर सीता अष्टमी का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है और इसका समापन 14 फरवरी के दिन सुबह 7:40 पर उदय तिथि को मानते हुए इस पर्व का व्रत 14 फरवरी यानी मंगलवार के दिन किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिसके द्वारा भी यह व्रत किया जाता है उसे भगवान राम और मां सीता दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है, साथ ही साथ व्रत करने वाले की इच्छा भी पूरी होती है। बिहार में 2025 तक बनकर तैयार होंगे ये नेशनल हाईवे। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को कई नेशनल हाईवे का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि हम जिस 4 नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं उसमें पहला हाईवे बक्सर वाराणसी 4 लेन NH 319A है जो कि करीब 2,744 करोड़ रुपए की लागत से 96 किलोमीटर की लंबाई में निर्माण किया जा रहा है। वही दूसरा 4 लेन हाईवे का निर्माण करीब 1,759 करोड़ की लागत से करीब 71 किलोमीटर की लंबाई से बरौली से गाजीपुर के लिए जा रहा है। तीसरा 4 लेन करीब 4,153 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर लंबा दानापुर से भीटा के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इन सभी 4 लेन हाईवे का निर्माण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस हाईवे के निर्माण होने से पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों के समय में बचत होगी और साथ ही दूरी भी कम होगी। आज है वैलेंटाइंस डे, जाने आखिर क्यों मनाया जाता है।
आज यानी कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि आज के दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन को ही वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए क्यों चुना गया है? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। ऑरिया ऑफ जेकोबस स्टीव वॉडिसन के पुस्तक के अनुसार रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन थे जो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे, लेकिन इसी शहर के एक राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। हालांकि संत वैलेंटाइन के द्वारा राजा के सोच के बिल्कुल विरुद्ध कार्य किया गया, जिसके बाद राजा के द्वारा संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 में फांसी पर चढ़वा दिया गया था। इसलिए आज के दिन को उनकी याद में वैलेंटाइन डे के रूप में दुनिया के ज्यादातर देशों में मनाया जाता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भभुआ के निकट स्थित है और 1342 किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और यहाँ कुछ झरने और झीलों भी है। यहाँ यात्री बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर हिरण, चितल, चौसिंगा और नीलगाय जैसे कई जानवर देख पाएंगे और यह 70 प्रजातियों के निवासी पक्षियों के लिए एक निवास स्थान है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के आगमन के दौरान आप अधिक प्रजातियों के पक्षियों को देख पाएंगे। कालिदा और अनुपम झील में मछलियां पाई जाती है। यह 70 प्रजातियों के निवासी पक्षियों के लिए एक निवास स्थान है जो पूरे साल यही रहते हैं। यह संख्या प्रवासी मौसम यानी सर्दियों के दौरान बढ़ जाती है जब यहाँ मध्य एशिया क्षेत्र के पक्षियों का प्रवेश होता है। इस अभयारण्य तक भभुआ से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है या मोहनिया रेलवे स्टेशन के मध्य से भी पहुंच सकते हैं। बालगढ़ सलोनी का गीत सुन सीएम नीतीश ने किया सम्मानित। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान रोहतास पहुंचे, जहां उन्हें तिलौथू के पतलुका मध्य विद्यालय की छात्रा और बालगढ़ सलोनी ने नशा मुक्ति को लेकर गीत सुनाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सलोनी की तारीफ की गई और साथ ही उसे सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मुरारी गौतम आदि सलोनी के गीत को सुनकर मुस्कुराने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलोनी के द्वारा नशा मुक्ति पर गाया गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके लिए उसे एक दिन का जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बनाया गया था। वहीं यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने तालाब के जीर्णोद्धार का जायजा लिया। इसके साथ ही पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया और फिर इस परिसर में स्थित जल जीवन हरियाली तालाब का लोकार्पण किया। वहीं नेकर गांव में उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की और उनके द्वारा लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया। सीबीएसई ने बदला मूल्यांकन का तरीका। सीबीएसई के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपी में शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन करने को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि किए गए बदलाव के तहत अब शिक्षकों को हर घंटे केवल 3 कॉपी ही चेक करनी होगी और साथ ही अब शिक्षकों को एक दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक केवल 20 कॉपी ही जांच के लिए दिए जाएंगे। मालूम हो कि इससे पहले मूल्यांकन करने में इस तरह का कोई नियम नहीं था, लेकिन अब सीबीएसई के द्वारा शून्य त्रुटि अभियान के तहत यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा सीबीएसई के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष से परीक्षक के नीचे एक सहायक परीक्षक का भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सीबीएसई के द्वारा स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर स्कूल उन शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए नहीं भेजता है जिसका चयन बोर्ड के द्वारा किया गया है, तो उस परिस्थिति में स्कूल के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या उन स्कूलों का परीक्षा परिणाम भी रोका जा सकता है। नौकर और नौकरानी रखने वालों को लेकर पुलिस मुख्यालय का निर्देश। पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बिहार के वैसे लोग जो घरेलू कामों के लिए नौकर या नौकरानी रखते हैं, उनके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक जरूरी निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब घरेलू कामों के लिए नौकर या नौकरानी रखने से पहले उनका सत्यापन करवाने की हिदायत दी गई है। बता दें कि मुख्यालय के द्वारा यह निर्णय बिहार के आड़ा में प्रोफेसर दंपति हत्याकांड को देखते हुए लिया गया है। हालांकि यह निर्देश पहले भी जारी किया जा चुका था, लेकिन लोगों के द्वारा इसे सख्ती से पालन नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसे सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर घर पर काम करने वाले नौकर या नौकरानी की पहचान की जा सके। बिहार दिवस पर पहली बार भूटान में दिखेगी बिहारी विरासत। बिहार को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल सके, भूटान के लोग बिहार के विरासत के बारे में जानकारी पा सके, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद ले सके, यहाँ की कला संस्कृति और धरोहर से खुद को अवगत करा सके, इसके लिए पहली बार बिहार दिवस के मौके पर कला संस्कृति विभाग के द्वारा भूटान में बिहार दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए भूटान सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसकी जानकारी कला संस्कृति विभाग को दी है। मिली जानकारी के अनुसार भूटान सरकार के द्वारा भूटान में 23 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन करने को कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा 23 की जगह 22 को भूटान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भूटान सरकार के द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न तरह की जानकारी मांगी गई है।
बिहार की पत्नियां इन चीजों में पति से आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि बिहार की महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं और साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई ये सभी बातें अब सच होती नजर आ रही हैं। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 45.6% महिलाएं पति से अधिक कमाई में कई राज्यों से आगे है। इसके साथ ही बिहार की 91.3% महिलाएं अपने और पति के पैसे खर्च करने का फैसला लेने में भी आगे है। यानी कि होम मिनिस्टर की भूमिका में बिहार की महिलाएं घर के बजट से जुड़े निर्णय लेने में आगे है। बता दें कि इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 81.7% महिलाएं ऐसी है जो शादीशुदा जीवन को लेकर निर्णय लेती हैं और पति को न कहने की हिम्मत। बिहार में तेज हवाएं चलने का अलर्ट। बिहार के मौसम में इन दिनों तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के लोगों को कड़ाके की ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं ने अब लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 24 घंटे के भीतर 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में ठंड का असर अब कम हो गया है। दिन के समय धूप निकलने से अब हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में आसमान भी साफ रह रहा है, वहीं शाम के समय अभी भी हल्की ठंड है। बुधवार से राज्य का न्यूनतम तापमान फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा। राज्य में सोमवार और मंगलवार दो दिन तक तेज हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। आईपीएस विकास वैभव ने तत्काल कार्य से मुक्त करने को लेकर सरकार को लिखा पत्र। इन दिनों आईएएस विकास वैभव होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ किए गए अपने ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब इन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखकर गुहार लगाई है और कहा है कि उन्हें तत्काल होमगार्ड आईजी के पद से मुक्त कर दिया जाए। बता दें कि विकास वैभव के द्वारा सरकार के लिए लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि मेरा अब एक भी दिन उनके अधीन में काम करना गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुझे आशंका है कि काम करने के दौरान मेरे साथ कुछ गंभीर अप्रिय घटना घट सकती है जो मेरे लिए अपूर्णीय हो, इसलिए मुझे वहां से मुक्त कर दूसरी जगह तैनात कर दीजिए। इसके साथ ही विकास वैभव ने तत्काल 2 सप्ताह की छुट्टी भी मांगी है। विज्ञान दिवस पर राज्य के 13 बाल वैज्ञानिक होंगे सम्मानित। SCERT के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 13 बाल वैज्ञानिकों को जिनका चयन राष्ट्रीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में किया गया था उन्हें विज्ञान दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि ये 13 बच्चे राज्य के विभिन्न विभिन्न जिलों से आए हुए हैं जिनमें गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, सारण और मधेपुरा के बाल वैज्ञानिक के नाम शामिल होंगे। बता दें कि जिन 13 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा उनमें अनुराग कुमार, आदित्य कुमार, अमन कुमार, तनुप्रिया, आदित्य कुमार, श्रेयांश सुधी, देवराज पोद्दार, प्रदीप सिंह, आस्था केजरीवाल, रोहित ठाकुर, अंकित कुमार, प्रांजल दास और अभिषेक कुमार का नाम शामिल है। इस दिन से जाएं रोरो वेसल से पटना से वाराणसी। बहुत जल्द ही अब लोग पटना से वाराणसी जहाज से जा सकेंगे। बता दें कि इस जहाज का नाम रोरो वेसल है जो कि पटना के गायघाट से चलाया जाएगा। मालूम हो कि इसके परिचालन को लेकर फिलहाल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के बीच बातचीत चल रही है और अगर इसके बाद सब कुछ ठीक रहता है तो इसकी शुरुआत जुलाई महीने से कर दी जाएगी। यानी कि जुलाई महीने से यात्री पटना से वाराणसी गंगा के रास्ते जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जहाज में 300 लोग एक बार में यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस जहाज से यात्री अपना वाहन भी बिना किसी परेशानी के ले जा सकते हैं। गया धनबाद रेलखंड के बंधुआ स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी। बीते दिन बिहार के गया धनबाद रेलखंड के बंधुआ स्टेशन पर मालगाड़ी की कई डिब्बे बेपटरी हो गए जिस वजह से परिचालन ठप हो गया। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गया धनबाद रेलखंड के बंधुआ रेलवे स्टेशन के समीप गया की ओर से एक मालगाड़ी बंधुआ रेलवे स्टेशन को पार करने के दौरान उसके पीछे के 3 डिब्बे कटकर पटरी से अलग हो गए, जिसके बाद इस घटना के कारण गया फतेहपुर सड़क मार्ग का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि जब इस घटना की जानकारी रेल पदाधिकारियों को दी गई तो मौके पर पहुंचे रेल पदाधिकारियों की टीम के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। आईटी छापेमारी के बाद जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह ने दी प्रतिक्रिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर 4 दिनों तक छापेमारी की गई थी, जिसके बाद बीते दिन पहली बार एमएलसी राधाचरण शाह के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने इनकम टैक्स के अधिकारियों का सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हमसे इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हमने सभी का जवाब दिया। अधिकारियों के द्वारा हमारे सभी खाते भी खंगाले गए हैं। हमारा पूरा परिवार बिजनेस करता है और बहुत पहले से हम लोग बिजनेस करते आ रहे हैं। अगर ऐसे में हमारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और कुछ पूछताछ होती है तो इसमें ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इसके साथ उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम खरीद सकते हैं, यानी कि ये कुछ लोग ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, लेकिन इनके यहाँ इनकम टैक्स का कोई छापा नहीं पड़ता। कांग्रेस महागठबंधन
गठबंधन रैली में साझा करेंगी मंच। बिहार में कांग्रेस फिर अपनी पकड़ मजबूत कर सके, इसके लिए कांग्रेस के द्वारा हर कदम बड़े ही ध्यान से रखा जा रहा है और साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि पार्टी के द्वारा कोई ऐसा कदम न उठा दिया जाए जिससे विरोधियों को उनके खिलाफ बोलने का एक मौका मिल जाए। बता दें कि इसी कोशिश की कड़ी में कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ के महाधिवेशन के बीच यह संकेत दे दिया गया है कि महागठबंधन की रैली में कांग्रेस भी शामिल हो सकता है। दरअसल इन दिनों यह सवाल उठ रहा है कि पूर्णिया में महागठबंधन की होने वाली रैली में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल नहीं होंगे। इन्हीं को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में भाजपा को बोलने का मौका नहीं देगी। रैली को लेकर जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं उनके लिए बस यही कहूंगा कि कांग्रेस के नेता दोनों समारोह में शामिल होंगे। रैली में मैं खुद और कांग्रेस के 3 से 4 बड़े नेता भी शामिल होंगे। जेडीयू की सीट से अमित शाह करेंगे मिशन 38 बिहार का आगाज। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 38 सीटें अपने नाम करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 25 फरवरी को मिशन 38 बिहार का आगाज किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी के द्वारा बिहार के 2 शहरों में की जाने वाली जनसभाओं को लेकर बिहार भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके इसके लिए बिहार भाजपा के कई पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह सबसे पहले सुबह 11 बजे वाल्मीकि नगर के साहू जैन हाई स्कूल मैदान से कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद दोपहर में राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। WPL 2023 ऑक्शन में करोड़ों में लगी बोलियां। इस साल से विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए बीते दिन WPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसके साथ ही मुंबई के द्वारा कप्तान हरमनप्रीत को 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इसके अलावा शेफाली वर्मा को दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा 2 करोड़ में खरीदा गया। बता दें कि जब स्मृति मंधाना को RCB के द्वारा खरीदा गया तो पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच काफी खुशी देखने को मिली और सभी ने एक साथ मिलकर जश्न भी मनाया, जिसका वीडियो जियो सिनेमा के द्वारा शेयर भी किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर में 1556 में 13 वर्ष उम्र में अकबर का राजाभिषेक हुआ। शाहजहां 1628 में आगरा की गद्दी पर बैठा। भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1881 में कोलकाता में हुई। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदारी यूनियन कार्बाइड 1989 में सरकार को मुआवजा देने पर राजी हुई थी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने 1993 में 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया। दुनिया भर में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट YouTube को 2005 में एक्टिवेट किया गया था। 14 फरवरी 2008 में सिद्धार्थ सिंह की लघु भोजपुरी फिल्म उधेर बून को पुरस्कृत किया गया। सानिया मिर्जा ने 2009 में पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया। मुगल साम्राज्य के सम्राट बाबर का जन्म 1483 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का जन्म 1938 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की महिला राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे इंडेन गैस एजेंसी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंडेन गैस एजेंसी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से जारी एक फर्जी स्वीकृति पत्र में इंडेन गैस एजेंसी के लिए डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया जा रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इंडियन ऑयल CL यह पत्र जारी नहीं किया है। प्रामाणिक जानकारी के लिए कृपया IOCL.com पर जाएं। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट को सुनने ही नहीं पढ़ने का भी मिलेगा ऑप्शन। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए एक नई अपडेट लेकर आया है। बता दें कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके तहत आप वॉइस नोट को टेक्स्ट में पढ़ पाएंगे। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक व्हाट्सएप वॉइस नोट को ट्रांसक्राइब करने पर काम कर रहा है। फिलहाल ये फीचर डेवलपिंग स्टेज में है जो अभी किसी के लिए लाइव नहीं किया गया है। वेबसाइट के मुताबिक ये फीचर पहले iOS यूजर्स के लिए कंपनी लाएगी। WA Beta Info ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि नया फीचर कब काम नहीं करेगा, यानी अगर ये वॉइस नोट की भाषा नहीं समझ पाएगा या लैंग्वेज सही नहीं होगी तो ये आपको एक अलर्ट दिखाएगा जिसमें आपको लैंग्वेज को बदलने के लिए कहा जाएगा। आर्सेनिक जल से राज्य के 18 जिलों में बढ़ाया कैंसर का खतरा। बिहार के 18 जिले ऐसे हैं जहां के लोग आर्सेनिक युक्त जल पीते हैं जिससे उन लोगों के बीच कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि इन 18 जिलों के लोग विश्व संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाली पानी पी रहे हैं। ऐसे में इन जिलों से कैंसर से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बिहार की राजधानी पटना का मानेर ब्लॉक हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। AIRI की
रिपोर्ट के अनुसार बिहार समेत 4 राज्य ऐसे हैं जहां प्रतिवर्ष कैंसर से मरने वालों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा होती है। इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि सरकार को राज्य के इस मुद्दे की जानकारी है, हम इसके इलाज पर भी काम कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, विपिन वर्मा, पुष्पेंद्र राय, योगेंद्र रजक, नन्नू गोलू कुमार, राज सुभाष, रूपेश कुमार, स्वेता रॉय, राजकुमार प्रसाद, असरफी मंडल, मृत्युंजय कुमार, अतीक खान, मोटू रंगीला, शंकर मुखिया, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में अमित शाह के द्वारा की जाने वाली रैली से बीजेपी को कितना लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।